यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने कोरोना के चलते बंद सरकारी स्कूल से सोलर प्लेट और पंखे चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर 18 सोलर प्लेट व आधा दर्जन से अधिक पंखे सहित लाखों का माल बरामद किया है। चोरों का यह गिरोह लोगों की डिमांड पर स्कूलों के ताले तोड़ चोरी करता था। बुलंदशहर के पासू थाना पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये हैं सरजीत, सचिन व सुनील, जो कोरोना काल में बंद सरकारी स्कूलों को निशाना बनाकर वहां से ऑन डिमांड चोरी किया करते थे। सर कोई बोलता था तो पेन पेलर है तो हम इसको दे देते थे ला करके। ऑन डिमांड चोरी करते थे? हाँ। क्या कहते थे लोग? पुलिस के गिरफ्त में आए सरजीत की माने तो लोग उनसे सस्ती सोलर प्लेट और पंखे की डिमांड करते थे, जिसके बाद वे इलाके के बंद सरकारी स्कूल के ताले तोड़कर वहां से चोरी की वारदात को अंजाम दे कम कीमत में सोलर प्लेट व पंखे आदि को बेच दिया करते थे। ये थाना पासू क्षेत्र में स्कूलों में काफी चोरियां हो रही थी, जिसमें पैनल और स्कूल पंखे जग वगैरह इस तरह के सामान का काफी चोरी हो रहा था। इसमें आज पासू की पुलिस को सफलता मिली और ये 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जो करौरा गांव है वहीं के 7 रहने वाले हैं। उनके पास से करीब 3 लाख का सामान बरामद हुआ है, जिसमें सोलर पैनल हैं और पंखे हैं, बाकी जग ट्रे फुटबॉल जो भी सामान इसमें चोरी हुआ था पूरा सामान बरामद कर लिया गया है। 3 चोर इसमें पकड़े गए हैं। जो कुछ लोग जो खरीदते थे उनके हम तलाश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 3 लोगों को सर जेल भेजा जाए? हाँ, 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस की माने तो ऑन डिमांड चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद माल को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे कि पुलिस को इसकी सूचना मुखबिर के जरिए मिल गई और पुलिस ने घेराबंदी कर 3 चोरों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए का माल बरामद कर लिया। आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।